नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। शहर के मशहूर व मारूफ मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व ट्रामा केयर सेंटर में एक बहुत ही अहम और कामयाब सर्जरी हुई है। मनूर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मुताबिक पूरे इलाका कल्याण कर्नाटक में ही ऐसी पहली सर्जरी हुई है। टोटल निमोनेक्टोमी, जो कि एक सुपरा मेजर केस है जिसमें एक मरीज के फेफड़े को निकाल दिया गया। अल्लाह बख्श नामी 35 साल मरीज का ये कामयाब ऑपरेशन किया गया, जिनका ताल्लुक ज़िला बीजापुर के सिंदगी से है। बताया गया है कि तकरीबन 10 से 12 घंटे माहिर डॉक्टर्स की टीम ने यह कामयाब सर्जरी की और 5 दिनों तक मरीज आईसीयू में था और सेहतियाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। इस मरीज को बेंगलुरु, मुंबई या हैदराबाद के हायर सेंटर को रेफर किया गया था, लेकिन मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए, ये कामयाब सर्जरी करते हुए इस मरीज को सेहतियाब किया है। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोस्ट एडवांस ट्रॉमा केयर सेंटर इन कलबुर्गी। आज मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक सुपर मेजर सर्जरी हुआ है, जो पूरे कल्याण कर्नाटका में फर्स्ट टाइम हुआ है, जो टोटल कंप्लीट लंग रिमूवल है, जिसको टोटल निमोनेक्टमी कहते हैं। एक सुपर मेजर सर्जरी इस रीजन में, कल्याण कर्नाटका रीजन में हुआ है एंड सक्सेसफुली पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज डिस्चार्ज होकर जा रहा है, तो एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे सर्जरीज जो अभी तक गुलबर्गा में नहीं हुए, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन गुलबर्गा जो ये सर्जरी यहाँ पे हुआ है एंड सक्सेसफुली हुआ है एंड सक्सेसफुली पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहा है। अल्लाह बख्श 35 ईयर ओल्ड पेशेंट फ्रॉम सिंदगी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से, जो कहीं हॉस्पिटल को गया था, जो हेयर सेंटर को रेफर किए थे, जैसे कि बॉम्बे जाओ, हैदराबाद जाओ, बेंगलुरु जाओ, तो बिकॉज ऑफ हिज नॉन अफोर्डेबिलिटी पेशेंट हमारे पास जब आया था, तो उसको फिर से हमने डायग्नोसिस किया, प्रॉपर डायग्नोसिस जो चाहिए पेशेंट को, तो डायग्नोसिस ये किया गया कि उसको पोस्ट टीबी कंप्लीट डिस्ट्रॉयड लंग, फाइब्रोस लंग एंड कोलैप्स्ड कम्प्लीटली, एक लेफ्ट साइड का लंग था, तो एंड पेशेंट हैड कंप्लेंट्स ऑफ हेमोप्टोसिस, जो खून आता है जो थूक में, एंड चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, मल्टीपल सिम्टम्स थे पेशेंट्स के, जिसका अल्टीमेट जो है फाइनल डिसीजन ये था कि जिसका टोटल लंग रिमूव कर किया जाए, जिससे कि पेशेंट्स के सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाए एंड पेशेंट को जो है ना फिर से एक नई जिंदगी दी जाए। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग केस था, उस चैलेंज को हम लोगों ने कबूल किया एंड उस सर्जरी में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गए एंड आज आपके सामने पेशेंट है, आज डिस्चार्ज होकर जा रहा है। तो यही बताना चाहते हैं कि इतने मेजर सर्जरीज, एक टोटल कंप्लीट निमोनेक्टमी करना एक छोटी बात नहीं है, तो ऐसा एक बड़ा सर्जरी गुलबर्गा जैसे छोटे शहर में, जो कल्याण कर्नाटका का एक जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, आज ऐसे सिटी में आज ये ऐसे सर्जरीज हो रहे हैं, तो एक ब्रेक थ्रू सर्जरी मैं कह सकता हूँ ये हमारी टीम की तरफ से। तो इस कंप्लीट डिटेल्स आज हम आपको देने वाले हैं कि किस तरीके से पेशेंट का डायग्नोसिस किया गया, किस तरीके से सर्जरी किया गया, किस तरीके से इस पेशेंट पोस्ट ऑप रिकवरी हुआ है, किस तरीके से अभी पेशेंट अच्छा हो गया, खुशी खुशी हंसते हुए जा रहा है, कंप्लीट डिटेल्स आपको हम हमारी टीम की तरफ से आज बताएंगे। अल्लाह बख्श पेशेंट जो उनका उम्र जो 35 साल का है, वो हमारे पास जो कंप्लेन लेके आए वो था कि उनकी खांसी में खून आ रहा है, ये अभी 10 दिन 15 दिन से नहीं, बहुत महीनों से था, बहुत जगह पे उनका इलाज हुआ लेकिन खून कम नहीं हो रहा, जो खांसी में खून कम नहीं हो रहा। तो उनको हिस्ट्री लेने के बाद मालूम हुआ कि पहले उनको 2 बार टीबी अटैक हो गया था, अटैक हो के थोड़ा इलाज उतना बराबर नहीं हुआ, तो पेशेंट की तरफ भी थोड़ा नेग्लिजेंस था, गोली लेने के बाद थोड़ा वो भी छोड़े, अच्छा होने के बाद पूरा 6 महीने का कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ। तो उसकी वजह से क्या, अगर हम टीबी कोर्स कंप्लीट नहीं करते और कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट करने के बाद भी फेफड़े में छाले पड़ते हैं, तोता बोलते हैं ना ऐसा, छाले पड़ते हैं, तो छाले से क्या होता है खून आने लगता है। जब हमारे पास पेशेंट है तो बहुत सीरियस था, खून ज़्यादा आ रहा था, दम था, ऑक्सीजन कम था, तो इंजेक्शन वगैरह सब देखे खून थोड़ा कम करे, बाद में उसको एक्सरे निकाले तो जो आप एक्सरे देखें ना वो ऑपरेशन से पहले का है, ऑपरेशन के बाद का है, ऑपरेशन के पहले का एक्सरे देख लीजिए। तो आप जो
जो लेफ्ट साइड जो है ना, वो जिस तरह जो है वो लेफ्ट साइड का है। वो ना लेफ्ट साइड का है, जो इस तरफ है राइट साइड का है। राइट साइड का जो है पूरा नॉर्मल है राइट साइड का, लेफ्ट साइड पर जो है पूरा डैमेज हुआ है पूरा। ठीक है, ये होने के बाद मैं सीटी स्कैन कराया पेशेंट का, क्योंकि एक्सरे में 50% मालूम होता है, सीटी स्कैन में ऑलमोस्ट 80-90% मालूम होता है, तो उसमें सीटी स्कैन।